हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4.3। तो इसको करने से पहले, इस प्रैक्टिस सेट को करने से पहले हम लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट और बेसिक चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। इसके बेस्ड हैं ये, तो आप लोगों को दिख रहा होगा पेज नंबर 66। अगर आप अपने बुक लेके बैठे होंगे तो इसमें कुछ लिखा हुआ है रिमेंबर दिस। तो इसमें आपको ये जो आपको 5 प्रॉपर्टी दी हुई हैं, ठीक है, आपको जो 5 प्रॉपर्टी दी हुई है उसे अच्छे से याद नहीं समझना पड़ेगा। ठीक है, इसका कुछ कॉन्सेप्ट है और अगर आप इसको समझ लोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आज आप लोगों को वही समझाऊंगी, ठीक है। ओके, आप लोगों को दिख सकते हैं यहाँ पर, ये है प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल रेशियो इन वर्टेंडो। ओके, सो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, मैं आपको समझाती हूँ। तो ये हमारी जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी वो क्या है, हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा रेशियो एग्जांपल के लिए एक रेशियो लेंगे। ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। इसमें हम लोग को इसको इन्वर्ट एंडो, मतलब इसको हम लोगों को इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट मतलब क्या, मतलब ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी करेंगे, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, ऐसा करना है। मतलब ये हो जाएगा, मतलब सिंपली आपको बस इसमें इन्वर्ट करना है, उल्टा करना है, ठीक है। ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर आएगा, मतलब क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी। इतना अच्छा था। तो मतलब आपको यहाँ पर लिख देना है बाय इन व टेन डो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईजी था ना। तो ऐसे ही हमारा अब ना, ये थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट है, मैं आप लोग यहाँ पर दिखाते चाहूँगी कि कौन सा इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है और कौन सा नहीं है, ठीक है। मतलब जो ज़्यादा यूज़ होगा मैं उसकी बात कर रही हूँ, लेकिन आपको समझने सारे हैं। सेकंड है हमारा ऑल्टरनेंडो। अब ऑल्टरनेंडो में जो होगा ना, बहुत ही सिंपल है। अब देखो, हम लोग सेम ऐसा एग्जाम्पल लेंगे, जैसे a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। इसको इन्वर्टेंडो करना है ना, आप या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या तो हम आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या तो सिंपली आप लोग जैसे a को c से करो, या तो और b को d से करो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ए सी, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर लिखा है, मैंने फोकस नहीं देखा। ओके, यहाँ पर जैसे करते हो इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, जैसे ए इंटू सी इज इक्वल टू ए अपॉन सी, बी इंटू डी इज इक्वल टू बी अपॉन डी, ठीक है। मतलब आपको बस ए सी बी डी करना है। ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा आपके प्रैक्टिस सेट में, जो 4.3 है उसमें एकदम ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, बट हाँ ये बहुत इजी है। और जो हमारी थर्ड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसका नाम है क्या है, इसका नाम कॉम्पोनेंडो। अब कॉम्पोनेंडो में क्या होगा, कॉम्पोनेंडो में हम लोग ऐसे एग्जांपल देते हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। इसमें आपको करना है न्यूमिरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। आपको अच्छे से यहाँ पर समझाती हूँ। न्यूमिरेटर एन से डिनोट करते हैं और डिनोमिनेटर को डी से, मतलब न्यूमिरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसको आप लोग अच्छे से समझ लो, न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमिरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब ए प्लस बी अपॉन बी। ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमिरेटर है, राइट। तो ए प्लस बी अपॉन बी, सेम इसमें करेंगे, इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन क्या आएगा, डी आएगा। ये है एकदम सिंपल है, मतलब आप कर सकते हो एडिंग वन ऑन बोथ साइड। ये एकदम सिंपल हो गई। ओके, तो ये जो रिज़ल्ट आया है हम लोगों का, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉम्पोनेंडो, ठीक है। जैसे न्यूमिरेटर प्लस डिनोमिनेटर
न्यूमिरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमिरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब ए प्लस बी अपॉन बी। ये देखो ये न्यूमिरेटर है, ये है न्यूमिरेटर और ये है डिनोमिनेटर, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ओके देन हमारे पास है फोर्थ वाला, और ये है डिविडेंडो, डिविडेंडो, डिविडेंडो ना इसका जैसे आप लोगों ने इसमें का क्या न्यूमिरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर किया ना, इसमें आपको बस उल्टा करना है, मतलब माइनस कर देना है। इसमें आपको क्या करना है, माइनस मतलब न्यूमिरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब हम लोग ने वापस ले लिया ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, है ना। तो आपको क्या करना है, ए माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी, इतना सिंपल है। मतलब इसमें आप लोगों ने यहाँ पे प्लस किया था, राइट, इसमें आप हम लोगों ने प्लस किया था, इस सब लोगों ने क्या किया प्लस, तो इस पर हम लोग करेंगे माइनस, सिर्फ माइनस करेंगे, और ये हो गया हमारा डिविडेंड। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपको पूरा दिखा दिया, अच्छे समझा दिया कि इन्वर्टेंडो में बस आपका उल्टा होता है और ऑल्टरनेंडो में आपका सिर्फ मल्टीप्लाई होता है, कॉम्पोनेंडो में आप न्यूमिरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर करते हो, और डिविडेंडो में इसका उल्टा, मतलब न्यूमिरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ है, लास्ट है, और ये है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, सॉरी मैंने यहाँ पर डी, ओके। तो ये क्या है, इसमें दोनों का मिक्सचर रहेगा, ये देखिए इसमें दोनों का क्या रहेगा, मिक्सचर रहेगा। कैसे मिक्सचर रहेगा, ये देखिए, इफ़ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, देन ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस बी डी और सी माइनस डी। इसमें आपको सपोज ये है ए, वेट ओके, तो ये है ए प्लस बी, सॉरी ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, राइट, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो इसमें आपको क्या करना है, माइनस और प्लस करना है, मतलब पहले प्लस करोगे फिर माइनस, मतलब पहले करोगे आप ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये थे एकदम ज़्यादा इजी, क्या था ये, कंपोनेंडो और डिविडेंडो। देखो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, पहले आपको प्लस करना है, ठीक है, पहले आपको प्लस करना है और फिर आपको क्या करना है, माइनस करना है। आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी और सी प्लस डी प्लस सी माइनस डी, तो इसी के बेस में होगा हमारा नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो अभी हम लोगों को यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, 4.3 है ये, इफ़ ए अपॉन बी इज इक्वल टू 7/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज। तो इसके आप लोगों ने ये कर लिया तो आपको ऐसे थोड़ा सा तो आइडिया मिल ही गया होगा कि ये प्रैक्टिस सेट कैसी है, ठीक है। इसमें ऑल्टरनेंडो का काफ़ी कम यूज़ होगा, ज़्यादातर इन्वर्टेंडो या तो ऐसा कुछ चीज़ों का यूज़ होने वाला है, लेकिन आप इसको ऐसे भी सिंपली भी कर सकते हो, आप इसको डिवाइड कर सकते हो, आ जाएगा आपका आंसर, लेकिन टीचर रॉन्ग दे देगी क्योंकि हमें इसमें ये बेसिक समझना इम्पॉर्टेंट है, ये समझना इम्पोर्टेंट है, वरना टीचर सारे के सारे मार्क्स क्या कर देगी, काट देगी। सो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले जो हम लोगों ने आपको पहले बता दूं कि जो हमारा कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो है ना वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो इसलिए आपको इसे बहुत अच्छे से समझना है। ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है ना, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ये है, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है, ओके। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट थोड़ी सी यू नो डिफरेंट है हमारे सारी प्रैक्टिस सेट से, जैसे हम लोग आज कुछ अलग करेंगे, सो थोड़ी सी लेंथी प्रैक्टिस सेट तो है, बट या हम लोग अच्छे समझेंगे उसे, ठीक है।
तो वी आर ऑन प्रैक्टिस सेट 4.3। यस, हम लोगों ने ढूंढ निकाला। ओके, सो ये प्रैक्टिस सेट 4.3 है। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ ए अपॉन बी इज इक्वल टू 7/3। इसमें हम लोगों को एक वैल्यू दी हुई है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रेशियो। अगर ए 7 है, बी 3 है, मतलब ए अपॉन बी इक्वल 7/3 है, तो हम लोगों को 5a + 3b / 5a - 3b की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे फर्स्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 4.3। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 5a + 3b / 5a - 3b। आप लोगों को अपने पास वैसे बुक लेके बैठना पड़ेगा। ठीक है, वैसे मैं स्क्रीन पे भी डिस्प्ले कर दूंगी इफ़ पॉसिबल। ओके, सो हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो जो हम लोगों को वैल्यू दी हुई है, राइट, हम लोगों को एक वैल्यू दी हुई है a/b = 7/3, तो हम लोग वही चीज़ लिखेंगे a/b = 7/3, और इसको लिख देना गिवन, क्योंकि ये क्वेश्चन में था पहले से, राइट। अब देखो हम लोगों को ना क्या करना है, 5 को ए से मल्टीप्लाई करना है और 3 को b से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है 5a और 3b, 3 के पास b है और 5 के पास a है, इसलिए 5 को a से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे इज़ इक्वल्स टू, अब ये देखो 7, अब ये देखो 7। अब क्या करेंगे हम लोग, वापस से 5/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7/3 से। इसको अच्छे से समझ लो। देखो हम लोगों ने पहले 5 को a से करे, 3 को b से करे, ये समझ गए हम लोग ने, मतलब 5a है तो, और 3 मतलब b 3 है, तो 5 * a किया और 3 * b किया। फिर हम लोगों ने वापस से 5 को किससे मल्टीप्लाई किया, 7 से, और 3 को किससे किया, 3 से। और अब हम लोग इसके साइड में क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 5/3। हम लोगों ने ये किया है 5/3 को हम लोगों ने किससे किया, दोनों से किया। अब देखो 5 * a क्या हो जाएगा, 5a हो जाएगा, 3 * b क्या हो जाएगा, 3b हो गया। ये बहुत इजी है। इज इक्वल 7 × 5 = 35, 3 × 3 = 9। अब देख लिया आप लोगों ने, हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को मिल गया कि 5a = 35/3b = 9। ये हम लोगों को मिल गया है। अब क्या करेंगे हम लोगों को, आप लोगों को पता है ना हम लोगों ने कॉम्पोनेंट और डिविडेंड करा था। इसमें आपको क्वेश्चन देख कर ही आई होप पता चल गया होगा, अगर आपने अच्छे समझा होगा वो वाली चीज़ के। देखो ये देखो 5a + 3b है और 5a - 3b है, मतलब इसमें किसका गुजरा, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो का यूज़ हुआ है, राइट। इसमें क्या हो रहा है, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो का यूज़ हो रहा है, तो हम लोग अब भी वो चीज़ करेंगे। ये देखो हम लोगों को a b c d मिल गया। इसको सपोज करो ऐसे a/b = c/d। देखो सब चीज़ हम लोगों को मिल गई है, a b c d ऐसा सपोज करो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे 5 को, अब देखो हम लोग करेंगे, ये b है, राइट, a b, तो हम लोग फॉर्मूला क्या था, a + b / a - b, c + d / c - d, राइट। ये मैं एक्स्ट्रा पार्ट लिख रही हूँ समझाने के लिए, वरना आपको क्वेश्चन में कुछ इसकी नीड नहीं रहेगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, 5a + 3b / 5a - 3b = 35 + 9/35 - 9, राइट। अब क्या होगा, इसको ऐसे रहने देना, मतलब 5a + 3b / 5a - 3b क्या हो जाएगा, 35 - 9
सॉरी 35 प्लस, ये मैंने गलत कर दिया है, ये माइनस होगा, ठीक है। ओके तो अब क्या होगा, 35 माइनस 9 होगा 26। यहाँ पर लिख देना बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है। सॉरी मेरी हैंडराइटिंग ख़राब होती जा रही है। ओके सो अब क्या हो गया, हमारे पास ये आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है एक चीज़, 5a plus 3b अपॉन 5a माइनस 3b इज़ इक्वल्स टू व्हाट, 44 अपॉन 26। अब क्या करना है, ये आप लोगों को दिख रहा है डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, ऑब्वियसली 2 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 से हम लोग हमेशा करते हैं, 2 1 2 2 3 6, 2 2 4 2 2 4, वाह कितना अच्छा आ गया, 22 अपॉन 13। तो मतलब 5a plus 3b अपॉन 5a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 22 अपॉन 13। इतना इजी था ये, ठीक है। हाँ थोड़ा लेंदी था समझाने की वजह से लेंदी हो गया, वरना इतना लेंदी बाय द वे नहीं है, ठीक है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक था सम, बट इतना लेंदी है नहीं समझाने के लिए, मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा पार्ट ये सारे एक्स्ट्रा ये बाय द वे ये सब इम्पॉर्टेंट है लिखना, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये लिखना, बाय किससे, कौन से मेथड से हम करने वाला सम, है ना। तो ये वाला हमारा आंसर आ गया है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले उसमें। ओके सो हमारा नेक्स्ट जो है वो है 2ab square plus 3b square upon 2a square minus 3b square। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके वीडियो आगे करके ट्राई करो खुद से करने का, या और फिर वीडियो पीछे करके वापस आंसर देख लेना, ठीक है। सेकेंड वाला है 2a square plus 3b square upon 2a square minus 3b square, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग वापस से हम लोगों को जो गिवन था, हमारे पास जो गिवन था a upon b = 7/3, तो हम लोग भी वही करेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे a = 7 b = 3। अब क्या करना है, आप लोगों को सब में दिख रहा होगा कि यहाँ पर ना स्क्वायर है, तो हम लोगों सबसे पहले यहाँ पर स्क्वायर है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करना होगा, स्क्वायर का कुछ करना होगा, राइट। अब देखो अगर हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, मतलब 2a square है और 2b square है, और a 7 है b 3 है, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 into 7, जो क्या होता है 49 होता है। b का स्क्वायर क्या होगा, 3 into 3 = 9। मतलब हम लोगों को ये समझ में आया कि a स्क्वायर और b स्क्वायर क्या है, 49 और 9 है, 49/9 होगा, ठीक है ये। ओके यहाँ तक समझ गए हम लोग, आप लोग ऐसे भी दे दो स्क्वायरिंग both sides, ठीक है। आपको पता है हम लोगों ने ये वाला सम कैसे किए थे, हम लोगों ने इसमें क्या किए थे, हम लोग ने मल्टीप्लाइंग बाय बोथ द साइड करे थे, राइट। मतलब 5 को ए सी किए थे, 3 को बी सी किए थे, फिर 5 को 7 सी किए थे और 3 को 3 सी किए थे। सेम वही मेथड है, ठीक है। अब देखो 2 को किससे करेंगे, ए स्क्वायर से करेंगे, और देखो 2 क्या है, 2a और 3b दिख रहा है, मतलब 2a a क्या है, 2 है, मतलब a बा हमेशा 2 से होगा वाले समय, और b किससे होगा, अरे ओके b किससे होगा, 3 से होगा। तो अब यहाँ पर हम लोगों को दिख गया 2 into a square क्या हो जाएगा, 3 into b square इज इक्वल्स टू,
अब क्या होगा, 49 और 9 मिला ना हम लोगों को, 49। अब हम लोग 7 को नहीं लेंगे क्योंकि हम लोगों ने इसका स्क्वायर करे थे, क्वेश्चन में भी स्क्वायर है, इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 2 अपॉन 3 इंटू 49 अपॉन 9। ठीक है, अब देखो 2 अभी इंटू इंटू हो गए तो बहुत सिंपल है, 2a स्क्वायर हो जाएगा और 3b स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 49 इंटू 2। देखो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं 49 इंटू 2, 9 2 ज़ा, सॉरी मैंने 49 इंटू 2, 9 2 ज़ा 18, 4 2 ज़ा 8, 9 तो क्या आएगा 98 अपॉन 9 3 27। हम लोगों को मिल गया 2a स्क्वायर अपॉन 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 98 अपॉन 27। अब हम लोगों को ये वाले सम में क्या पता चला था कि ये कौन सा वाला मेथड से होगा, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो से, तो हम लोग लिख देंगे। अब हम लोगों को ये एकदम सिंपल सी चीज़ आ गई, लास्ट वाले सम में भी जब हम लोगों का ऐसा आ गया था 5a हम लोगों को जब मिल गया था तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने तब जाकर कॉम्पोनेंडो डिविडेंड लगाया था। तो अभी इसकी बारी है, तब क्या करेंगे, देखो ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो क्या मैंने सिखाया था, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, राइट। तो इसे भी सेम करना है, 2a है और 3 क्या है, b है, तो 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। अब देखो इज इक्वल्स टू 98 प्लस 27 अपॉन 98 माइनस 27, क्या हो जाएगा इसको ऐसे हैंडल, तो 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 97 प्लस 98 प्लस 27 इज इक्वल टू 87 15 और 9 10 11 12 आ जाएगा 125 और 98 माइनस 27 इज इक्वल्स टू 1 1 9 8 7। ओके, तो क्या आया हमारा आंसर, 125 अपॉन 71। तो देयरफॉर 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 125 अपॉन 71। ये हो गया है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये वाले जो ऐसे सम्स हैं ना, ऐसे ऐसे सम्स जो हैं ना आपके, वो पता है कितने मार्क्स के आएंगे, 3 मार्क्स के पक्का आएंगे वाले सम्स, क्योंकि अभी तो ये यूनिट टेस्ट से स्टार्ट होगा, सेकेंड यूनिट टेस्ट से स्टार्ट होने वाला है इन क्वेश्चन, तो आपके 25-30 मार्क्स का पेपर रहता है, 20 मार्क्स का, तो 3 मार्क्स का तो आएगा ही ये सम, ऐसे ऐसे सम कितने मार्क्स के आएंगे, 3 मार्क्स के, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आगे के जो सम है वो नेक्स्ट पार्ट में करूँगी, ओके, क्योंकि ये पार्ट बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि इसमें बेसिक जो समझाया था मैंने वो बहुत इम्पोर्टेंट था, उसकी मदद से ही हम लोगों ने समझा था कि कौन सा ये जो क्वेश्चन था फर्स्ट सेकेंड था वो कौन सा मेथड, तो हम लोगों को समझ में आ गया था कि ये वाला मेथड है ए प्लस बी और ए माइनस बी। सो ओके, सो मैं यहाँ पे अपने लेक्चर एंड करती हूँ, आई होप आप लोगों को सबको अच्छे समझ में आ गया होगा, अगर अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बाय।